दिल्ली आकर के वापिस जाते थे पता ही नहीं था कि देश इतना बड़ा है। तो ये अपनी एक ताकत का परिचय हुआ है। हमने कोविड में देखा राज्यों के साथ कोऑपरेशन के साथ हमने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी और एक सूत्र में रहकर के लड़ाई, दल किसी का भी हो सरकार में, लेकिन हमने इस काम को किया क्योंकि हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रति कमिटमेंट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा मॉडल है गवर्नेंस का जिसमें राज्य भी उतना ही सक्रियता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दुनिया के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत हो रहा है जिसका अब तो केस स्टडी के रूप में दुनिया के अनेक यूनिवर्सिटी केस स्टडी करना शुरू की है। अब उसको हम आगे बढ़ाते हुए एस्पिरेशनल ब्लॉक की तरफ ले जा रहे हैं ताकि हमारे ग्रास रूट लेवल पे भी जो वीक एरियाज हैं जहां सुविधाएं अभी सामान्य एवरेज से भी नीचे हैं उसको हम जल्दी से जल्दी उस स्टेट की एवरेज तक लाना चाहते हैं। देश का रीजन कोई भी क्षेत्र हो सर्वांगीण विकास को लेकर हम चले हैं। साथियों गत 10 वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमने एक बहुत बड़ा यानी सोचने में भी बदलाव लाए, जमीन पर तो लाए लाए, वरना हमारे देश में सोचा चलेगा यार बारे एक बार कर लो ना। और उसके कारण मैं मानता हूं कि विश्व में हमारा सम्मान और साथ साथ भारत में निवेश, ये दोनों संभावनाएं बढ़ रही है। साथियों हमारे संविधान का 75वां वर्ष है, हम चाहते हैं कि संविधान हमारी संवैधानिक संस्थाओं का संरक्षण भर इसके मात्र के लिए है, ऐसा नहीं कोई अदालत में धाराओं का उपयोग करके काम करने के लिए नहीं है, ये एक हमारी भावना है, हमारा स्पिरिट है और हमें इस 75 साल को ऐसे मनाना है ताकि हम संविधान के स्पिरिट को जन जन तक पहुंचाएं, हर जन को संविधान की जो भावना है कर्तव्य की भावना है अनेक बात ऐसे इस बात है उन सब प्रति समर्पण उसका बढ़े, उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। साथियों छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष के उत्सव में देश आज रंगा हुआ है और हम हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है क्योंकि उसमें राष्ट्र प्रथम की भावना है। छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते ही राष्ट्र प्रथम की भावना हमें मजबूती देती है और इसलिए हम देश में इसी एजेंडा को आगे रखते हुए और जब इसी समय 350 साल का पर्व आया है तो हमें अपनी पॉलिसी और परफॉर्मेंस और सामान्य मानवी का जीवन बेहतर करना है, उसमें जरा भी विलंब नहीं करना है। साथियों विकास की सारी तैयारियां रोड मैप लेकर को हम चलेंगे ही चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम नए नए सांसद आए हैं, कुछ पुराने सांसद हैं, कुछ ज्यादा अनुभवी सांसद भी हैं। आप देखते हैं कि इन दिनों पिछले दो दिन से आप टीवी पे देखते होंगे एक भी सच्चाई मुझे उसमें नजर नहीं आई, कोई ये कह रहा है कोई वो कह रहा था सब। मैंने कहा भी जरा पूछो तो ये जानकारी लाते कहां से, गपगोले चला रहे किसी के खाते में कुछ भी डाल करके चल रहा है। तो मतलब ये थोड़े दिन क्योंकि 10 साल से ऐसे अवसर नहीं मिले हैं तो शायद ये उबाल जरा ज्यादा रहेगा, लेकिन आप मान के चलिए जी ऐसे लोग कोई पहुंचेंगे बस साहब मेरा अच्छा संबंध है मंत्री में आपका नंबर कर सकता हूं आया, हमें भी पता नहीं होता यार, हो सकता है मिनिस्टर बनने का ही रास्ता होगा तो हम भी गलती से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो पता नहीं वो किस खाई में डुबो देता है। कभी कभी तो शायद आप तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हो सकता है मेरे सिग्नेचर से कोई लिस्ट बाहर निकल जाए कि ये मंत्री बन गए, हो सकता है कोई बुद्धिमान डिपार्टमेंट भी बांट दे। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहता हूं और जो मोदी को जानते हैं ये सारे प्रयास निरर्थक है वे। आप भी किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है
वो सचमुच में अथॉरिटी है, अदरवाइज कोई भी क्या भाई आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। तो ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है। कुछ लोग आदतन करते रहते हैं, कुछ लोगों को मजाक आती है लेकर, और कुछ लोग बदइरादे से करते हैं। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। दूसरा, हमारे जो इंडिया अलायंस वालों ने इस चुनाव में फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया उन्होंने, वो शायद इसका भरपूर उपयोग करेंगे। हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें। ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है, मुझे भी सही सलाह देने वाली टीम है, और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निर्णय करने वाली है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। साथियों, विकसित भारत का संकल्प लेकर के हम चले हैं। 3 नंबर की इकोनॉमी पहुंचना मैं जानता हूं, निश्चित रोड मैप के साथ उसको हम पार करने वाले हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरा पल पल देश के नाम है, मेरा पल पल आप लोगों के नाम है, मैं 24/7 अवेलेबल हूं। हमें मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है। फिर से एक बार आप लोगों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, जो प्यार दिखाया है और जो समर्थन दिया है, वाकई मैं मानता हूं भारत के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं जितना आपका आभार व्यक्त करूं उतना कम, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी आशा अपेक्षाओं को पूरी करने में, परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, और वो है मेरी भारत माता। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों को हजार साल की मुसीबतों से जो गुजरी हुई पीढ़ी दर पीढ़ी है उसे मुक्ति दिला करके सम्मान के साथ विश्व में, मेरा हर देशवासी दुनिया उसे देखे तो उसका मन कर जाए काश ये हिंदुस्तान का है, अरे नजर मिल जाए तो अच्छा होगा। ये मैं स्थिति पैदा करना है, उसका मन लालायित होना चाहिए, हिंदुस्तानी है, अरे यार जरा हाथ मिला लूं कुछ एनर्जी मुझे भी आ जाए। मैं देश को इस ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं, और साथियों मुझे पक्का विश्वास है आपका साथ, आपका सहयोग, आपका अनुभव बहुत बड़े परिणामों की संभावना लेकर के आया है। लोकसभा का यह गठन उन सभी आकांक्षाओं को पूरा करेगा। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. മൂന്നാമൂഴം എത്തുമ്പോൾ, പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ
നാലാമുഴത്തിനായുള്ള ആഹ്വാനവും നൽകുന്നു. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ വികസന നേട്ടങ്ങളെ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള മോദിയുടെ പ്രസംഗത്തെ കരഘോഷത്തോടു കൂടിയാണ് എൻഡിഎ നേതാക്കൾ നിയുക്ത എംപിമാരൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇനിയുള്ള നാളുകൾ അത് വികസിത ഭാരതത്തിന്റെ നാളുകളായിരിക്കും. 10 വർഷം കണ്ടത് ട്രെയിലർ മാത്രം. അങ്ങനെ എൻഡിഎ നേതാക്കളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട കക്ഷി നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ ഈ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനത്തിൽ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടിയുടെ നേതാവ്, ഒപ്പം നിതീഷ് കുമാർ ജെഡിയു നേതാവ്, ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ, 7 എംപിമാർ ഉള്ള നേതാവ്. അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട സർക്കാരിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ ഒപ്പം കൈകോർക്കുന്ന എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും ഈ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വാഗ്ദാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തെ കടന്നാക്രമിക്കുകയും കൂടി ചെയ്തു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി.